हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग समाचार में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आज से हार्ड कंपा देने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत से चली भयंकर शीतलहर ने समूचे मैदानी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका असर शुक्रवार को राजस्थान के अधिकांश इलाकों में भी पड़ा है। बीती रात से चल रही भयंकर शीतलहर के कारण तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी भारत के कई जिलों में भयंकर तरह से धुंध छाई हुई है। दोस्तों जयपुर मौसम केंद्र के माने तो यह स्थिति दिसंबर तक यूं ही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू समेत कई जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहां 20 दिसंबर तक भयंकर शीतलहर व कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कोहरे की संभावना भी जताई गई है। इस बीच फसलों में पाला पड़ने की आशंका है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर से लगता जैसलमेर का एरिया घने कोहरे से ढका हुआ है। आज सीकर के फतेहपुर में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर -1.6 डिग्री पहुंच गया है, जो सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। वहीं माउंट और चूरू में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू में पारा 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहा। बीकानेर में आज न्यूनतम तापमान 5.6 जबकि हनुमानगढ़ में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झुंझुनू के पिलानी में पारा 1.1 रहा, जो इस सीजन के सबसे ज्यादा कम तापमान माना जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर में न्यूनतम तापमान आज 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। नागौर में भी आज तापमान 3.3 पर पहुंच गया है। फतेहपुर में माइनस में तापमान आने के बाद खेतों और मिट्टी में हल्की बर्फ की परत जम गई है। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल एसजी के न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।